بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Jee, Jazakallah. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Thanks for joining us on the another WAPSA online lecture series. And as you guys know, now it becomes a new normal that we have been continuing with our lectures every week. And we have defined lectures with our specific speakers who has been assigned and tasked with the different topics. So it has been very much interesting, and people have been joining it with passion, and they have interaction and they participate because there is a sharing of knowledge. So ultimate benefit or the purpose of this program is to nurture or to coach the young talent. So we are giving equal opportunities to all the participants that belong to this industry, that belongs to WAPSA or other than WAPSA, who are serving in this industry. And this mutual sharing at the end of the day is a great way, two-way process of learning. Today, we have given this opportunity to Hamari WAPSA ki jo general secretary bhi hai, woman wing ki, Dr. Zara Zaman, jinhone DVM kiya aur she did MPhil in jo hai pathology ke andar. And today she would be sharing Marek's disease in the poultry and its prevalence in the backyard poultry. So before inviting her, I just want to set the rules for today's session. कि हम तमाम लोग जो हैं अपने सवाल चैट बॉक्स में डालते जाएंगे और जब ज़ारा अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करेंगी तो देन वी हैव एन इंटरेक्टिव सेशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं एटलीस्ट इन ऑर्डर टू मेक दिस डिस्कशन फ्रूटफुल हमें आपस में एक दूसरे से चिट चैट या सवाल पूछने चाहिए ताकि हम एटलीस्ट जो मुझे नहीं आता वो मैं किसी के सवाल से सीख लूंगा और लाइक वाइज दिस प्रोसेस गोज ऑन. और एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्या करेंगे कि इनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बनाएंगे और आप तमाम लोगों से शेयर करेंगे और जो सवाल हम जिनको एड्रेस नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे या बाद में हम उनको आप जरूर आपको उनके आंसर्स देंगे. सो आई एम श्योर टुडे टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम जस्ट लेटिंग हैंड ओवर टू डॉक्टर ज़ारा टू शेयर हर स्क्रीन एंड टेल अस दैट मैरिक डिजीज इन पोल्ट्री एंड इट्स प्रेवलेंस इन द बैकयार्ड पोल्ट्री. So, handing over screen to Zara. Assalamu alaikum to all of you. My name is Dr. Zara Zaman, and I am a DVM graduate, and I have completed my MPhil in US in pathology. And now I am presenting on Marek's disease, and my complete topic is Marek's disease in poultry and prevalence in backyard poultry. So basically, Marek's disease को थोड़ा सा अगर मैं उर्दू में explain कर दूँ for my students कि why we are studying Marek's disease और फिर backyard poultry में ही क्यों. तो basically Marek's disease vaccination protocol बहुत ज़्यादा follow किया जाता है commercial sector. ठीक है, backyard में ये है कि backyard poultry में बहुत ज़्यादा cases हैं इसके. हालांकि गवर्नमेंट का मैस वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम चल रहा है इस पे, लेकिन उसके बावजूद वी हैव केसेस ऑफ मैरिक्स डिजीज इन बैकयार्ड पोल्ट्री जो कि अनरिपोर्ट जाते हैं. बहुत से लोग अवेयरनेस नहीं रखते इस चीज की कि ये डिजीज कमर्शियल सेक्टर में अगर ट्रांसमिट हो जाए तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस कॉज करती है. बैक इन 90s तो ये बहुत ज्यादा लॉसेस कॉज करती है. 50-60% लॉसेज बहुत से पेपर्स में रिकॉर्ड किए गए हैं. तो अब जबकि वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, डे जीरो पे वैक्सीन कर दी जाती है, तो उस तरह कंट्रोल तो है, लेकिन स्टिल वी हैव आउटब्रेक्स. लास्ट ईयर वी हैड आउटब्रेक इन नियर बाय रीजन्स ऑफ लाहौर, तो वहां से कुछ सैम्पलिंग मुझे मिली थी और फिर मैंने अपनी रिसर्च भी कुछ बैकयार्ड से है, कुछ सेमी कमर्शियल से है. तो सेमी कमर्शियल बेसिकली वो पोल्ट्री होती है जिसको हम फुली कमर्शलाइज नहीं कह सकते. बेसिकली वो पोल्ट्री जो वो बर्ड्स या वो पोल्ट्री जो कि हम बेसिक कमर्शियल पर्पस के लिए रेयर नहीं करते, जो जिनसे हम जैसे लेयर है उससे हम मैग्स ले लेते हैं, तो उसके बाद जो हम लेयर्स गलियों मोहल्लों में कुछ लोग सेल करते हैं, वो जो बचा कुचा होता है उसको बेसिक सेमी कमर्शियल पोल्ट्री के तौर पर मैं इधर इधर प्रेजेंट करूंगी. तो
स्लाइड इज मूविंग और नॉट जदून साहब प्लीज गाइड करिएगा जी ज़ारा मूव करें आप इसको ना मैक्सिमाइज कर दो ठीक है अच्छा तो अब हिस्ट्री देखेंगे थोड़ी सी 1907 में जोसेफ मैरिक एक हंगेरियन वेटनरी पैथोलॉजिस्ट था या वेटनरी डॉक्टर था जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया था सबसे पहले उसके बाद देखा गया था 1967 में कि ये हर्पीज वायरस है इसका एटियोलॉजिकल एजेंट और हर्पीज वायरस इसी के पैरेलल दो और डिजीजेस भी कॉज करता है जिसको हम लिम्फोइड ल्यूकोसिस और एक और रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस वायरस है जिसको हम इसके पैरेलल ही देखते हैं क्योंकि एलियंस काफी मिलते जुलते होते हैं तो हम इसके साथ ही उसको देखते हैं ठीक है तो मैरिज डिजीज बेसिकली वायरल डिजीज है सेल एसोसिएटेड हर्पीज वायरस है बेसिकली ये सेल के अंदर जाता है और न्यूक्लियस में अटैच कर जाता है ठीक है कुछ पार्टिकल इसके अनअटैच रहते हैं और कुछ पार्टिकल इसके न्यूक्लियस में अटैच कर जाते हैं ठीक है प्रोकैरियोट्स अगर देखें तो ये डीएनए वायरस है और हाईली सेल एसोसिएटेड वायरस है और मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि सेल एसोसिएट को हम क्यों यहाँ पे देख रहे हैं तो बेसिकली वायरस की वैक्सीन बनाते हैं किस चीज का इसके साथ थोड़ा रिलेशन आता है तो कॉमनली सीन इन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में देखा जाता है ये और उसके अलावा जो वायरस होता है ये डेंडर लिटर फेदर्स और इन सब चीजों में 4 to 8 months तक वायबल रहता है उसके अलावा या आपको 10 years तक अगर 4 degrees centigrade तक पड़ा रहे तो ये बिल्कुल एक्टिव रहता है एक्टिव फॉर्म में होता है यानी कि दोबारा इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेसिटी रहती है ठीक है और इसको हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट से बेसिकली फॉर्मेल्डिहाइड और क्लोरीन बेस्ड जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनसे कर सकते हैं मैंने एक जगह पढ़ा था तो मैंने उस चीज को मेंशन यहाँ पर कर दिया अच्छा इसके 3 serotypes हैं सीरोटाइप 1 जो है वो पैथोजेनिक मैरिज डिजीज वायरस है ठीक है जो कि हाईली पैथोजेनिक है उसके बाद आती है सीरोटाइप 2 नेचुरली ए पैथोजेनिक मैरिज डिजीज वायरस और सीरोटाइप 3 जो है ए पैथोजेनिक एंड एंटीजेनिकली रिलेटेड हर्पीज वायरस ऑफ टर्की बेसिकली ये जो है इससे मोस्टली वैक्सीन बनाई जा रही है और बहुत ज्यादा यूज की जा रही है क्योंकि इसका एंटीजेनिक रिलेशन इस डिजीज के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है तो इसी से हम वैक्सीन बना रहे हैं जो वैक्सीन आजकल कमर्शियली यूज हो रही है उसका नेचुरल होस्ट जो है वो चिकन है लेकिन एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में इसको हम टर्कीज कोयल्स वगैरह सब में देखा गया वो ससेप्टिबल भी हैं इसके लिए उसके अलावा ये 12 to 24 weeks old बर्ड्स में आती है बेसिक एक बुक में मैंने पढ़ा था कि 6 weeks old से पहले ये नहीं आती 6 weeks से पहले आप इसको नहीं देख सकते मतलब ये 6 weeks का एक क्राइटेरिया एक बुक में मेंशन किया हुआ था बहुत ही कॉमन बुक है उसमें मैंने देखा था कि 6 weeks का लिखा होता है लेकिन जो पीक इसका पीरियड होता है 12 to 24 weeks old ठीक है ये अब पैथोजेनेसिस बहुत ही मजेदार किस्म का एक चार्ट है मैं आपको यहाँ से समझाऊंगी आपको हमेशा याद रहेगी ये बेसिकली होता क्या है सबसे पहले जो वायरस होता है ना वायरस जाता है वायरस एंटर करता है थ्रू इनहेलेशन रूट इनहेलेशन रूट से एंटर करता है एम आई ऑडिबल am I audible sir yes hello ji zara aap hum aapko sabse pehle virus enter karega aerosol route se theek hai ji theek hai sir sabse pehle inhalation route se virus enter karega bird mein jayega to sabse pehle kya karega lungs mein jaake divide karega early jo iski replication hoti hai wo lungs mein hoti hai उसके बाद क्या होता है लंग्स के बाद इसका जो 2 to 3 days के बाद ना इसका अर्ली साइटोलिटिक फेज स्टार्ट हो जाता है उसमें क्या होता है साइटोलाइसिस होती है बेसिकली क्या होता है कि बी सेल्स जो होते हैं ना ये उनको अटैक करती है और बी सेल की डेथ कॉज करवाती है बी सेल की डेथ कॉज करवाने के बाद बी सेल्स की डेथ हो जाती है और इसमें मोस्टली जो इफेक्ट होते हैं वहां पे आकर टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जब बी सेल्स की डेथ हो जाती है तो टी सेल्स एक्टिव हो जाते हैं टी सेल एक्टिव करते हैं और लेटेंट वायरस बन लेटेंट इन्फेक्शन बन जाता है अब ये जो टी सेल्स हैं ये फर्दर क्या करते हैं ये इम्यून रिएक्शन होता है उससे ये होता है कि टी सेल्स के शुरू हो जाते हैं बॉडी के इम्यून वायरस कहां नर्व्स में होगी ठीक है आप देखेंगे बहुत से इम्यून ऑर्गन्स जैसे कि बर्सा स्प्लीन थाइमस और लिवर यहाँ पे जो आपको लिम्फोमास नजर आएंगे ठीक है बेसिकली ये क्या होता है कि वहां फ्यू अभी मैं आपको उनकी ग्रोथ सीरीज बनना शुरू होते हैं आपकी बेसिकली टी सेल्स के बाद क्या होता है कि वायरस
pardon, आवाज नहीं आ रही है. Okay, I guess sir, we lost her. Probably she would be back. Zara, we lost you. आप अपने आप को अनम्यूट करना. Sorry for inconvenience, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू है इंटरनेट का. अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहले फिर क्या होता है कि जब वायरस मेच्योर लिम्फोमास बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वायरस फर्दर फेदर फॉलिकल्स में चला जाता है, स्किन में पेनिट्रेट करता है. फॉलिकल्स जो होते हैं वहां जाके इन्फिल्ट्रेशन कर लेता है, फॉलिकुलर एपिथीलियम में जाके रिजाइड करता है, और वो बेसिक साइट है जहां से जब फेदर शेड होंगे तो साथ वायरस भी शेड होगा. इस तरह आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए कि आपकी स्क्रीन वो हमें नजर नहीं आ रही प्रेजेंटेशन की. Now you can see my screen. जी जी, थैंक यू ज़ारा, बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा, तो अब क्या होता है कि वायरस जब चला गया उसकी फेदर फॉलिकल्स में, तो वहां से ये शेडिंग स्टार्ट हो जाएगी. जैसे फेदर शेड होंगे, डेंडर बेसिकली जो स्किन और इसके अलावा लिटर में बहुत ज्यादा आपको ये वायरस मिलेगा, और इसी तरह वायरलाइजेशन होगी और ये पूरा साइकिल कंटिन्यू. अब बेसिकली आपको पैथोजन की समझ आ गई होगी कि लीवर लंग्स से लेके ये बाकी सारे इम्यून ऑर्गन्स में, और उससे दोबारा इन्हेलेशन रूप पे आ जाता है. ठीक है, क्योंकि ये डेंडर और फेदर्स वगैरह में शेड होता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस वायरस को. ठीक है, दीज आर द पैथोलॉजिकल लीजन्स. यू कैन सी के सबसे पहले हमें यहाँ पे एक आई, नॉर्मल आई है. ठीक है, उसके साथ राइट पे एक लियन है जिस आई में ग्रेश आपको आई नजर आ रही होगी. तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हुई है बेसिकली. उसके बाद ऊपर सेंटर में आपको नजर आ रहा होगा कि लीवर है और उसके ऊपर लिम्फोमास है. दीज आर द डेडली लिम्फोमास, दीज समटाइम्स कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल लियन. तो ये लिम्फोमास बनते हैं, इस केस में भी बनते हैं, और लिकोसिस के केस में भी आपको कभी कभी ये लिम्फोमास नजर आते हैं. ठीक है, नीचे आपको लीवर नजर आ रहा है, इनलार्ज लीवर है, और इसमें स्प्लीन का आगे मैं आपको एक पिक्चर शेयर करूंगी जिसमें स्प्लीन टेनिस बॉल लाइक बन जाती है. टेनिस बॉल लाइक स्प्लीन, यानी कि साइज में बहुत बड़ी हो जाएगी, और इट लुक्स जस्ट लाइक टेनिस बॉल, और उसमें हेमरेजेस भी होंगे, और इसमें आपको पैरालिसिस नजर आती है. बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि जो शाइटिक नर्व होती है, इसमें आपको मैंने बताया था कि नर्व्स में जाके इन्फिल्ट्रेशन होती है लिम्फोसाइट्स और लिम्फोब्लास्ट वगैरह की, तो वहां पे जाके इन्फिल्ट्रेशन जब होगी तो लॉस ऑफ स्ट्राइएशन होगी, नर्व का फंक्शन खत्म हो गया. अब उस फंक्शन के खत्म होने की वजह से क्या होगा कि नर्व पे जब प्रेशर पड़ेगा तो बर्ड सही से वॉक नहीं कर सकेगा, बर्ड ये स्प्लिट करती है इसकी लेग्स. तो इस तरह आपको इस तरह की पैरालिसिस नजर आएगी, ये कॉमन है इस डिजीज में. तो दीज आर द पिक्चर्स फ्रॉम माई रिसर्च, ये मेरे पास सैंपल्स थे. तो ये आप देख सकते हैं कि मल्टीफोकल ट्यूमर्स ऑन अ लीवर, ऑन द लीवर ऑफ अ बर्ड. तो ये आपको डेडली लिम्फोमास इस तरह के नजर आएंगे. ये बहुत इस तरह के लिम्फोमास टिपिकल हैं फॉर मैरिक्स डिजीज. और उसके बाद साइड वाइज आपको एक स्प्लीन नजर आ रही है, उसमें हेमरेजेस हैं, और उसका साइज काफी बड़ा हुआ है टेनिस बॉल की तरह. ठीक है, तो अब अगर किसी ने मैरिक्स पे काम करना है तो उसके लिए बेसिक छोटा सा एक प्रोटोकॉल जो मैंने अपनी स्टडी में भी यूज किया था, मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइव बर्ड्स और डेड बर्ड का एग्जामिनेशन करते हैं. लाइव बर्ड में बहुत कम होता है कि हमें पैरालिसिस तो होती है, लेकिन उसमें हम डिफरेंशियली डायग्नोज नहीं कर पाते कि कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी पैरालिसिस हो रही है. कुछ और डिजीजेस हैं उनमें भी पैरालिसिस आती है बर्ड में, तो हम लाइव बर्ड को देख के इतना खास नहीं पता चलता. हाँ, ये होता है कि बर्ड इमेसिएटेड होता है, वो भी बहुत सारे केसेस में होता है. तो सबसे पहले हम लाइव और डेड को देख लेंगे, ससेप्टिबल बर्ड्स को अलग करेंगे, उसके बाद जो डेड बर्ड्स हैं पहले उनका पोस्टमार्टम, उसके बाद जो आपके पास ससेप्टिबल बर्ड्स हैं उनका पोस्टमार्टम कर लेंगे. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको लियंस नजर आएंगे, क्लियर लियंस होंगे लीवर पे और स्प्लीन पे. ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि सम पीपल हैव एक मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो शाइटिक नर्व है वो आपको हर केस में नजर आएगी. तो मैंने एक बुक में रीड किया था कि ओनली 0.1% आपको शाइटिक नर्व दिखती है स्वॉलन, ये हर केस में जरूरी नहीं है. ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमने बर्ड से सैंपल ले लिए, लीवर, स्प्लीन और जितने ऑर्गन, बर्सा, थाइमस वगैरह के सैंपल ले लिए.
उसके बाद आपने क्या किया कि हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो कि पुराने काफी अरसे से जो चला आ रहा था तरीका वो ये था कि हिस्टोपैथोलॉजी की बेस पे काफी बुक्स में इसको हिस्टोपैथोलॉजी की बेस पे ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता था. तो आप देखेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी में आपको सेल्स नजर आएंगे, ठीक है, लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स वगैरह. और उसके बाद अब जो न्यू टेक्निक है, न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ये है कि पीसीआर किया जा रहा है इसका. तो पीसीआर के रिजल्ट्स में आपसे शेयर करूंगी जो मैंने खुद की स्टडी में किए थे. तो दिस इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम जो आपको पता है मेन प्रोसीजर है. एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि टिश्यू को फिक्स किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, क्लियरिंग वगैरह, और ये सारे स्टेप्स फॉलो करके हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड बनाई जाती है. दीज आर माई हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड्स. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो नजर आ रही हैं. लेफ्ट साइड पे जो है वहां पे डीजेनरेटिव चेंजेस इन लिवर शोइंग हेमरेजेस, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट इन इंट्रा एंड पेरिवास्कुलर एरिया. तो आपको ये लिम्फोसाइट्स नजर आ रहे होंगे और डीजेनरेटिव चेंजेस नजर आ रही हैं लिवर में, ठीक है. और साथ में आपको इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स स्क्रीन में दिखाई गई है कि रेड बल्ब और व्हाइट बल्ब दोनों में इन्फिल्ट्रेशन है लिम्फोसाइट्स की. अगर हम नॉर्मली आपने अगर कभी व्यू किया हो स्प्लीन और लीवर की स्लाइड्स को, तो आपको इस तरह के चेंजेस कभी भी नजर नहीं आते. मतलब बहुत क्लियर स्लाइड होती हैं, सिर्फ सेल्स दिखाई देते हैं, नॉर्मल सेल्स. मतलब इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन नहीं नजर आएगी आपको, ठीक है. द नेक्स्ट स्लाइड इज फ्रॉम लिम्फोमा. लिम्फोमा का जो सेक्शन लिया था उसको मैंने फर्दर मैग्नीफाई करके इसमें ऐड किया हुआ है कि ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है जिसमें स्ट्रक्चरल लॉस वगैरह हो गया इसमें. और उसके अलावा क्या है कि यहाँ इन्फिल्ट्रेशन है लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोब्लास्ट अराउंड द लिम्फोमा. तो आप मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स देख रहे हैं डिफरेंट इन साइज. अच्छा, बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, यहीं पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिकोसिस को, लिम्फोइड लुकोसिस को और मैरिक्स को आपस में. कि मैरिक्स में जो होते हैं ना सेल्स, वो आपको डिफरेंट साइज और शेप्स के नजर आते हैं. हालांकि जब कि आपको ल्यूकोसिस जो होगा उसमें आपको सेम एक तरह के यूनिफॉर्म सेल्स होंगे. और यहाँ पे एक साइड में एक स्लाइड है स्प्लीन की. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोइड सेल्स एंड लीवर फ्लडिंग आपको नजर आएगी. प्लियोमॉर्फिक सेल्स हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट, लिम्फोब्लास्ट. ये बेसिकली स्लाइड फ्लड हुई होती है. आप बहुत ज्यादा हाई मैग्निफिकेशन पे देखेंगे तो आपको अलग अलग करके सेल्स नजर आएंगे डिफरेंट साइजेस की, ठीक है. तो This is the protocol for DNA extraction. Basically, सबसे पहले क्या किया गया था कि सबसे पहले मैंने जो किट यूज की थी, यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं था लेकिन मैंने अपनी स्टडी से लिया था तो वो मैंने वही मेंशन कर दिया कि एनिमल जीनोमिक DNA extraction किट, थर्मो फिशर की किट थी. उसके बाद क्वांटिफाई किया नैनो ड्रॉप टेक्नोलॉजी से. उसके बाद एम्प्लीफिकेशन की, MEQ जीन, बेसिकली वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिजीज, उस जीन को एम्प्लीफाई किया. 686 बेस पेयर थे उसके. और उसके बाद विजुअलाइज किया उसको और ये कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं कि इनको मैंने फॉलो किया था. आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर काशिफ सलीमी जिन्होंने मेरे साथ ये कंडीशन शेयर की थी. और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो था वो मैंने काई स्क्वायर एनालिसिस यूज किया था. तो ये कंबाइंड था एफर्ट थी क्योंकि मैरिक्स डिजीज फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ माय इंस्टीट्यूट इस तरह मैरिक्स पे काम हुआ था. तो ये आई एम थैंकफुल टू माय टीचर्स एंड स्पेशली डॉक्टर काशिफ सलीमी और वो लोग जिन्होंने मेरी हेल्प की. अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैं मैरिक्स की DNA एक्सट्रैक्ट कर रही थी और ये है एक PCR पिक्चर. ये आप PCR पिक्चर देख सकते हैं. इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि लेन M आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा. आप गौर से देख सकते हैं कि लेन M जो है यहाँ पे DNA लैडर यूज किया गया 100 बेस पेयर के साथ, ठीक है. उसके बाद S1, S2, दीज आर द पॉजिटिव सैंपल्स. अब ये 686 के साथ अगर आप देखें तो ये सारे सैंपल्स पॉजिटिव हैं. S8 के अलावा जितने भी सैंपल्स हैं कुछ में ब्राइट बैंड है और कुछ में लाइटर बैंड हैं. तो दीज ऑल सैंपल्स आर पॉजिटिव. आई वॉज वेरी लकी इन माई रिसर्च के मैंने जब फर्स्ट टाइम दिस वॉज द पिक्चर फ्रॉम माई फर्स्ट PCR जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो वो सारे ऑलमोस्ट एवरी सैंपल वॉज पॉजिटिव एंड the 12th value is a negative control. Now the area of my study was Kamalia Rawalpindi Raimond. मैंने कुछ samples collect किए थे Kamalia से और कुछ cases report हुए थे उस वक्त Rawalpindi से. कुछ cases थे वहां से मैंने samples लिए थे और Raimond से. तो आप percentage देख सकते हैं कि backyard poultry में कितना ज्यादा percentage positive था कि 75-70 and Raimond में 80% cases उस वक्त थे. तो और ये this was the रिजल्ट ऑफ द PCR, ठीक है, PCR से जो रिजल्ट हमें मिले थे. और दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ
हिस्टोपैथोलॉजिकल मीन स्कोर मीन लियन स्कोरिंग जो लियन स्कोरिंग की थी, क्योंकि आपने देखा सैंपल जो थे वो बेसिक बेसिक अगर स्टडी को शुरू करने से पहले ये देखा जाता है कि जो ससेप्टिबल बर्ड्स हैं उनसे जो आपने सैंपल्स लिए हैं उनमें पॉजिटिव सैंपल्स कितने हैं। पॉजिटिव सैंपल्स सिर्फ बीसीआर की बेस पे आप उसे पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ जो बर्ड्स हैं उनमें वैक्सीनल टाइटर भी होता है, तो आप उसकी बेस पे उससे पॉजिटिव नहीं कह सकते। जब तक आपको लियंस नहीं आएंगे और टिपिकल लियंस नहीं आएंगे तो आप उसको, ये मैंने लियन स्कोरिंग इसी वजह से की थी। आप लीवर के लियंस और इनके देख सकते हैं कि अच्छे खासे लियंस मतलब उसमें नजर आ रहे हैं। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि कमर्शियल वैक्सीन हैं, तीनों सीरोटाइप से वैक्सीन ली गई हैं, लेकिन जो वैक्सीन एक जगह एक पेपर में मैंने पढ़ा था कि वो वैक्सीन जो सेल एसोसिएटेड वैक्सीन होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो HVT थर्ड जो है वो थर्ड सीरोटाइप है उसकी वैक्सीन यूज कर रहे हैं। वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट हैचिंग एज अ सिंगल डोज। आपको पता है कि मैरिक्स वैक्सीन सिंगल डोज हैचिंग पे कर दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद यह है कि अगर आप जो आप वैक्सीन कर रहे हैं वो वैक्सीन उसको प्रोटेक्शन तो देती है लेकिन उसको इन्फेक्शन से नहीं बचा सकती। कि ये है कि अगर आप वो कैरियर बर्ड आपका रहेगा, अगर आपने वैक्सीन बर्ड में कर दिया तो वो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बर्ड में इन्फेक्शन नहीं है। योर बर्ड कैन बी अ कैरियर लेकिन उसमें लियंस वगैरह आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपका बर्ड कैरियर रहेगा। यानी कि ये इसका एक ड्रॉबैक है ये जो हम वैक्सीन यूज कर रहे हैं। उसके बाद बायोसिक्योरिटी में यह है कि आप स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाएं। और कुछ लोगों ने जैसे फार्म्स के अपने गिर्द नवाब में फार्म्स होते हैं, ओपन फार्म्स में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि साथ ही उनका घर है, साथ ही फार्म है और साथ ही उन्होंने अपने बैकयार्ड पोल्ट्री को रेयर किया हुआ। तो इस प्रैक्टिस को हमें बहुत ज्यादा कम करना होगा, खत्म करना होगा, बल्कि अवेयर करना होगा कि इस चीज से जरा अवॉइड करें, क्योंकि बैकयार्ड इज पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव। ठीक है, दीज आर माई सजेशन। वो ये है कि कंट्रोल शुड बी डन बाय इंप्रूविंग बायोसिक्योरिटी। उसके बाद एजुकेट करें आप फार्मर्स को, टाइमली वैक्सीनेशन करें। और सबसे बड़ा मैरिक्स के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें आता है वो ये होता है कि वैक्सीन फेल्योर और वैक्सीन हैंडलिंग का बहुत ज्यादा इशू होता है, क्योंकि ये वैक्सीन कोल्ड चेन में मेंटेन की जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। और दूसरा इशू ये होता है कि वैक्सीन को हैंडल नहीं सही से किया। वैक्सीन बेसिकली जब ये वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा इशू होता है कि कुछ बर्ड्स में सही से वैक्सीन नहीं हुए और कुछ बर्ड्स में ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसका इफेक्ट नहीं आया उस तरह जिस तरह हम चाह रहे थे। और कंक्लूजन मेरा यही था कि बर्ड्स आर पॉजिटिव, हालांकि वैक्सीन हो रही है, मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें केसेस मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं कि कुछ देयर आर पॉकेट्स लेफ्ट जहां पे वैक्सीन नहीं पहुंच रही, जहां पे अवेयरनेस नहीं है। हमें इस चीज को खत्म करना है, क्योंकि ये डिजीज पास्ट में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी कॉज कर चुकी है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस कॉज कर चुकी है। तो अब हमें इस चीज को खत्म करना है। इस चीज की अवेयरनेस करेंगे तो ये चीज खत्म होगी। और दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। अब मैं आपको डॉक्टर शहजाद, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली उसको वन बाय वन ले लें। जी, थैंक यू वेरी मच ज़ारा। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड रियली यू पिक्ड अप एवरीथिंग वेरी नाइसली। और ऑफ कोर्स आई गेस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम तमाम लोगों को इनवाइट करेंगे कि वो अपना अपना क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन उसमें कुछ जो मेरे रिकैप्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि लिकोसिस और मैरिक डिजीज का जो एक तो आपने हिस्टोपैथोलॉजी के लिए बताया कि उसके अंदर सेल चेंज नहीं होते, वैसे अगर हम आम जनता को बताने के लिए अगर दोनों बीमारियों के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस का साइंस बताएं तो वो क्या टिपिकल साइंस है जो हम आम ये है कि आपके पास अगर स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ना है तो मैं पढ़ने के लिए जगह बताऊंगी, वो आवेदी एंजुम की बुक है, उसमें एक टेबल दिया हुआ बहुत अच्छा। लेकिन अगर वैसे आप पूछेंगे तो मैं आपको बताती हूँ कि लुकोसिस जो होता है ना, लुकोसिस को अब कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, लेकिन बट स्टिल पीपल आर सेइंग कि देयर आर केसेस, ठीक है। तो अब लुकोसिस को आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो आई वाला जो लियन है जिसमें ग्रे आई है वो लुकोसिस में एब्सेंट होता है, उसके अलावा पैरालिसिस लुकोसिस में एब्सेंट होता है, उसके अलावा मैरिक्स में बेसिक जो सेल्स इफेक्ट होते हैं 60 to 90% जो अफेक्टेड सेल्स होंगे वो टी लिम्फोसाइट्स होंगे।
और जबकि ल्यूकोसिस है उसमें बी लिम्फोसाइट मेजर सेल्स हैं जो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी इसके हैं कि स्किन वाली जो फॉर्म है वो उसमें आपको नजर नहीं, विजरल फॉर्म जिसको कहते हैं वो आपको नजर नहीं आएगी ल्यूकोसिस में, मैरिक्स में वो नजर आएगी आपको। और इसमें और ग्रॉसली अगर देखें तो जो मैरिक्स के जो होते हैं ट्यूमर जो होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, जबकि उसके जो ट्यूमर्स होते हैं ल्यूकोसिस के वो कन्फाइंड ट्यूमर्स होते हैं, वो डिफ्यूज नहीं होते हैं। मतलब यानी कि अगर आप दोनों के लिवर के क्रॉस सेक्शन लेके उनको आप कंपेयर करेंगे तो आपको देखने से थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, बाकी आप पीसीआर से कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको देखने से अंदाजा हो जाएगा दीज आर द लियंस ऑफ मैरिक्स एंड दीज आर द लियंस ऑफ ल्यूकोसिस। ग्रेट, आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग, जो सुनने वाले उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर जस्ट मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है, देन आई विल ओपन द हाउस टू आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? सर बेसिकली ट्रीटमेंट तो इसका नहीं है कोई, क्योंकि आपको पता है ये वायरल डिजीज है, लेकिन अगर आप स्टडीज पढ़ें, मैंने मतलब कुछ, अब आपको पता है वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड ऑर्गेनिक थिंग्स एंड यानी कि न्यूट्रोसूटिकल्स की तरफ जा रहे हैं, तो एक प्लांट है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, एस्ट्रागैलस एक प्लांट है जिसका एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है 25 ग्राम पर हैं की डोज रेट से। अगर आप वो यूज करें तो आपको इसके इफेक्ट्स मिनिमम नजर आएंगे, मोर्टेलिटी कम हो जाएगी और आपका बर्ड पीक पे जो प्रोडक्शन दे रहा है वो आप पीक के करीब तो पहुंचे, पीक का नहीं वो क्लेम करते, उस पेपर में क्लेम था कि यू कैन नॉट अटेन द पीक प्रोडक्शन, लेकिन आपके जो इफेक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। एस्ट्रागैलस प्लांट का एक जगह मैंने पढ़ा था वो ट्रीटमेंट के लिहाज से, और दूसरा ये एक जगह मैंने पढ़ा है कि वैक्सीन इसकी जो HVT वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, बहुत सी कंपनीज की वैक्सीन आ रही है, वो तो वो वैक्सीन कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर। उसके अलावा आप वैक्सीन के कुछ थे कि आप टेट्रासाइक्लिन को यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा जो कुछ नियोमाइसिन भी यूज कर लेते हैं कुछ लोग, इसमें एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे कि इसके साथ पोलीवेसुलोसिस, इसके साथ MG और सालमोनेला, जितनी भी डिजीजेस जो कि इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती हैं, आपको पता है ये इम्यूनिटी को जाके डिस्टर्ब करती है, इम्यून ऑर्गन्स को जाके इफेक्ट करती है, तो ऐसी वो सारी डिजीजेस जो इम्यूनिटी को जाके इफेक्ट करेंगी तो वो लाजमी आएंगी, तो आपको उनको रोकने के लिए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं वैक्सीन, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स और न्यूट्रोसूटिकल में मैंने आपको बताया कि एस्ट्रागैलस प्लांट का एक मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, पढ़ा था। From my side, then I'll let Benazir to ask the question. हमने ये देखा जो आपने sampling की उसमें 75% backyard में positive थे, so which means it has a great economical loss अगर हम backyard poultry की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या हमारी recommendation mass vaccination है या उसके ऊपर काम हो रहा है कुछ, just for the sharing of the audience? सर एक्चुअली इशू ये है कि मैस वैक्सीनेशन तो गवर्नमेंट कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है, यानी कुछ जो एरियाज मैंने खुद कुछ एरियाज में मैस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, वो ये था कि कुछ जगहों पे हो रही है लेकिन काफी जगहों पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों लोग अलाउ नहीं करते हमारे बर्ड्स को घर में आके, नहीं ये हमारे देसी बर्ड्स हैं आपने इनको वैक्सीन नहीं करनी, तो हमें उस ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा अवेयरनेस का थोड़ा सा है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, उस चीज को खत्म करना पड़ेगा, बाकी वैक्सीनेशन से ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ब्रीड कौन सी थी जो आपने कलेक्ट की, क्योंकि ये तो हैचरी पे होनी चाहिए ना, तो ये कौन सी ब्रीड आपने कलेक्ट करी थी? आपके सर मेरे तो मेरा बैकयार्ड पोल्ट्री में था, मेरा जो गोल्डन मिस्ट्री वाले जो बैकयार्ड में बर्ड रखे हुए थे मेरी उस पे स्टडी थी। ग्रेट, सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट बेनजीर कमल के जी आप अपना माइक अनम्यूट करें एंड यू कैन शेयर योर कमेंट और एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम ज़ारा यू कैन आस्क। डॉक्टर जहरा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी और आई थिंक आपकी ये रिसर्च थी तो आपका इस पे एक बहुत ज्यादा होल्ड होगा। आपने जो अभी दो पॉइंट्स हैं एक्चुअली मेरे, द फर्स्ट वन इज आपने वैक्सीनेशन पे जो आपका थर्ड या लास्ट पॉइंट था कि वो वैक्सीनेशन जो है वो फाइनली वायरस जो है आफ्टर वैक्सीनेशन वो शेड होता है, इसका मतलब वैक्सीन करने के बाद हम लोग वायरस को फैला रहे हैं ना कि कंट्रोल कर रहे हैं, अगर तो वायरस शेड हो रहा है, यानी अगर मेरी बैकयार्ड पोल्ट्री है उसमें मर्क्स नहीं है और मैं अगर वैक्सीन करवा रही हूँ अपनी एक बर्ड को तो उसको मैं एक अलाउ कर रही हूँ कि वो एक मीडियम प्रोवाइड करे ताकि वो वायरस को शेड करे और उसके बाद जो उसके साथ पांच और बर्ड्स रह रही हैं वो फिर इन्फेक्टेड हो जाएंगी उससे, तो इसका कनेक्शन समझ नहीं आया। सेकेंड जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि
सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि वो इफेक्ट करेगी बी सेल को, इसका मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेमोरी सेल्स होते हैं दैट इज बी सेल, तो इसका मतलब ये है कि वायरस जो है वो अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी आ जाती है कि वो फर्दर मुझे सेकेंडरी इन्फेक्शन कभी नहीं करेगा इन लाइफ लाइफ वो सेकेंड इन्फेक्शन ही करेगा क्योंकि मेरे अंदर या बॉडी के अंदर वो मेमोरी सेल्स होते हैं, तो जब बी सेल्स खत्म हो जाते हैं तो इसका मतलब मेमोरी भी नहीं है, तो मतलब इम्यूनिटी और उसका समझ नहीं आ रहा कि फिर हम वैक्सीन करवा क्यों रहे हैं। ठीक है, अच्छा बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मैंने डिफरेंस में बताया था कि जो जो मैरिक्स है ये टी सेल को अफेक्ट करती है, बी को नहीं, बी को हर ल्यूकोसाइट अफेक्ट करती है। ठीक है, इसमें जो बेसिक जो सेल इफेक्ट होते हैं वो टी सेल इफेक्ट होते हैं, 60-90% बुक में मेंशन है, तो वो ये है कि टी सेल्स को अफेक्ट करती है, यानी कि हमारे पास इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होती है, ये भी एक पेपर का क्लेम है, मैं आपको पेपर भी मेंशन कर दूंगी। तो इसमें एक तो टी सेल इफेक्ट होते हैं, दूसरा जो आपने पूछा है कि वो ये था कि अगर बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं तो वो कैरियर रहेंगे। ठीक है, आपकी जो वैक्सीन है, अगर आपके पास एक आपकी जो वैक्सीन है वो आपको इन्फेक्शन से बचा सकती है, लेकिन अगर बर्ड कैरियर है तो कैरियर होने से नहीं बचा सकती। वो किस वैक्सीन के बारे में उन्होंने कहा था, HVT जो थर्ड सीरोटाइप है उसकी जो वैक्सीन है, लेकिन अगर आप सीरोटाइप 2 वाली वैक्सीन करते हैं तो उसमें ये होगा सेल एसोसिएटेड वैक्सीन होगी, उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें ये होगा कि बर्ड आपका कैरियर नहीं रहेगा। ये आपकी वैक्सीन पे डिपेंड करता है, तीनों सीरोटाइप्स की वैक्सीन बनाई जा रही है और यूज भी की जा रही है, लेकिन जो मोस्ट बहुत ज्यादा कॉमन है, जो सस्ती बन जाती है, जिसकी वो है HVT थर्ड वाली सीरोटाइप की वैक्सीन, वो बहुत ज्यादा यूज की जा रही है। तो उसका ड्रॉबैक एक था कि उसमें बर्ड कैरियर रहता है, कि अगर आपका बर्ड इन्फेक्टेड है तो वो कैरियर रहेगा, वैक्सीन से वायरस नहीं आएगा। वैक्सीन फेल्योर एंड आपको PCR पॉजिटिव मिल जाता है, लेकिन आपकी वैक्सीन से वो बर्ड इन्फेक्टेड नहीं होगा, इसका ये मतलब था। अगर आपको समझ आ रहा हो तो फाइनली मुझे बताएं, अगर कुछ नहीं समझ आया तो मैं दोबारा थैंक यू। ओके, नाउ वी हैव अ सुमेरा विद अस। सुमेरा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर। सारा, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैरिक डिजीज है उसमें शायटिक नर्व्स जो है वो अफेक्ट करती है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो दोनों लेग्स पे अफेक्ट करती है या सिर्फ एक नर्व को अफेक्ट करती है शायटिक नर्व। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने रिसर्च की जैसे कि गोल्डन मिस्री वगैरह, तो आप अपनी रिसर्च को जैसे कमर्शियल डियर्स, बर्ड्स या ब्रॉयलर्स, तो इनको किस तरह इनके साथ कंपेयर करती हैं कि मैरिक डिजीज जो है वो कमर्शियल्स में ज्यादा अफेक्ट करती है या जो देसी हमारे बर्ड्स हैं उनमें ज्यादा अफेक्ट करती है। और जो आपने जो रिसर्च की उसमें आपको ज्यादातर आपने 3 सीरोटाइप बताए थे जिसमें से थर्ड वाले में से वैक्सीन बनती है, तो आपने अपनी रिसर्च में कौन सा सीरोटाइप जो है वो मतलब आपको नजर आया ज्यादातर, मतलब जो मैरिक डिजीज काज कराता है। अच्छा, तो मैं आप क्वेश्चन 1 बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, तो मैं आप फर्स्ट शुरू से आंसर करना शुरू करती हूँ। पहले इन्होंने पूछा कि आप सीरोटाइप की बात कर लेते हैं, पहले सीरोटाइप की बात ये करते हैं कि तो बेसिकली दिस वाज अ प्रोजेक्ट डिजाइन बाय आर डिपार्टमेंट, तो इस पर अभी फर्दर रिसर्च हो रही है, PhD के एक स्टूडेंट है मेरे साथ, वो इस पर काम कर रहे हैं, तो ही इज वर्किंग ऑन द सीरोटाइप लेवल। ठीक है, वो इसका बेसिक ये देख रहे हैं कि अब इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व है, उसके अलावा कौन सी सीरोटाइप इसमें आ रही है। लेकिन जब मैंने अपनी और दूसरा आपने कहा कि ये बैकयार्ड और उसमें अफेक्ट कर रही है कमर्शियल में ज्यादा अफेक्ट किसका है, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कमर्शियल तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। ठीक है, कमर्शियल में प्रॉब्लम नहीं है, कमर्शियल में प्रॉब्लम तब आता है जब वहां पे वैक्सीन फेल्योर हो जाए या हैंडलिंग का कोई इशू हो, या उसके अलावा ये होता है कि शुरू ये असल बेसिक फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर ऊपर से आपने फर्स्ट डे पे वैक्सीन नहीं किया तो सारा चूजा पूरे का पूरा इफेक्ट होगा, ये उस तरह ये पैटर्न है, लेकिन कमर्शियल में ये कम है। लेकिन हम जब कमर्शियल के लिए ज्यादा कंसर्न है क्योंकि हमारी ज्यादा रेयरिंग कमर्शियल की है, हम उसको बेसिक हमारी फूड कमर्शियल से आ रही है, तो हम इसीलिए उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस है कि कहीं यहाँ से डिजीज उठ के वहां जाके
इफेक्ट ना करें. तो यहाँ पे डिजीज है, हम इसीलिए इसको स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डिजीज है हम इसको खत्म करें ताकि ये कमर्शियल में इफेक्ट ना करें. क्योंकि बैकयार्ड पोल्ट्री में अभी भी मैंने आपको बताया, मैस वैक्सीनेशन होने के बावजूद बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो अनटच्ड हैं, जहाँ पे वैक्सीन नहीं हो रही, जहाँ पे लोग नहीं करवाना चाह रहे, तो वहां पे ये इशू है. तो वहां से ये इशू वहां ट्रेवल कर सकता है. तो इसीलिए मैंने ये स्टडी की और मैं इस पे एक एक्सटेंशन पेपर भी राइट अप कर रही हूँ. इंशाल्लाह ये पेपर मैं अपना पब्लिश करवाऊंगी तो उसमें ये मेंशन करूंगी कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है. अवेयरनेस आप करें, आप बैकयार्ड को जब तक नहीं करेंगे वैक्सीन तब तक आपका कमर्शियल भी सेफ नहीं रहेगा. क्योंकि बैकयार्ड में अगर ये वैक्सीन आर या हर्पीस वायरस है, अगर ये म्यूटेट कर जाता है, अगर इसकी बहुत ज्यादा कोई लीथल फॉर्म आ जाती है, तो आप कमर्शियल में किस तरह, कमर्शियल में तो एक वैक्सीन प्रोटोकॉल शुरू से फॉलो किया जा रहा है, तो हो सकता है कभी ये वायरस इतना ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाए कि आपको उन बर्ड्स में भी आ जाए. और दूसरा, हमारी कंट्री में एक जो रेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि वो मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ लोगों ने साथ ही बैकयार्ड रखी हुई है, साथ ही दूसरे बर्ड्स रखे हुए हैं, तो वो एक मिक्स कर सकता है और ट्रांसमिशन का एक कॉज बन सकता है. तो इस चीज को हम देख सकते हैं इस तरह. Thanks, Sarah. Anyone else want to ask a question? Dr. Rohila, Yasmin, if you have a question, you can ask me. Unmute yourself, please. Okay, this is what about the certification, participate certifications. Okay. Anyhow, sir, I guess we are lucky that we are with us today. Today, we are sitting in a big group. So, I have a biologics एक्सपर्टीज तो डॉक्टर आसिम साहब की भी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आसिम भाई से कि आसिम साहब आप सर बताएं कि एनी कमेंट, एनी सजेशन, एनी गाइडलाइन के मैरिक्स के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं सर, पाकिस्तान में क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या हो रहा है सर. डॉक्टर आसिम अगर मुझे सुन रहे हैं सर. क्वेश्चन ले लें आप किसी और से, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मैं उसको देख लेती हूँ, कमेंट्स भी एंड में कर लेंगे. ओके, सो इज जस्ट लाइक मोर लाइक अ क्वेश्चन एंड कमेंट्स आर सेम ना, तो वी कैन मूव ऑन. एनी हाउ आसिम भाई, जितनी देर में आप कनेक्ट होते हैं, हमारे साथ वकार आलम साहब मौजूद हैं. वकार भाई, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड सर. गुड, जरूर बच्चे हैं ये सब लोग हमारे यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी. जस्ट अ सिंपल सिंगल क्वेश्चन टू ज़ारा रहमान. बैकयार्ड पोल्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं हम, और बैकयार्ड पोल्ट्री में बायो सिक्योरिटी विल बी द मेजर चैलेंज, बिकॉज के वहां पर वो इस तरह के पैरामीटर्स नहीं एप्लीकेबल हो सकते जिस तरह से कमर्शियल में हम देखते हैं. तो वहां पर जो वायरल आउटब्रेक है, तो उस वायरल आउटब्रेक में जो कि बैकयार्ड इतना एजुकेटेड भी नहीं होता है सेक्टर ना, तो वहां पर अगर आप कोई वैक्सीन को अगर प्रमोट करते हैं तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, किस तरह से वो लोग उन लोगों को कन्विंस किया कि जी ये वैक्सीनेशन भी जरूरी है, क्या चैलेंजेस आपको नजर आए वहां. सर इसको मैं इस तरह देखूंगी कि मैंने ना पाकिस्तान के अलावा अमेरिका की भी स्टडी देखी थी कि अमेरिका में भी बैकयार्ड में ये अभी भी यही एक इशू है. कुछ पेपर्स उनके जो पब्लिश हुए हैं उन्होंने अपने बैकयार्ड में लिखा हुआ है कि देर आर केसेस ऑफ बैकयार्ड पोल्ट्री, और वहां पे लियंस के साथ उन्होंने पेपर्स में पिक्चर शेयर की हुई थी. हमारे भी बैकयार्ड में आउटब्रेक तो तब आएगा जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी. असल में पॉपुलेशन कम है और एक सिंगल केस, एक केस, दो केस, तीन केस, इस तरह करके रिपोर्ट होते हैं. और वो आपको पता है कि गाँव के ट्रीटमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, वो किस तरह, एक बर्ड को अगर बीमारी आई है तो ठीक है नहीं उन्होंने ज़िबा कर लिया, दूसरा बर्ड है ठीक है नहीं ज़िबा कर लिया. मतलब आउटब्रेक तो तब आएगा ना जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी और उस चीज की अवेयरनेस को तब फैलाना हमारे, लेकिन हमारे पास हम इस तरह लोगों को अवेयर कर सकते हैं. कुछ लोगों ने जैसे असील और इस तरह के बर्ड्स रखे हुए हैं वहां पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे लोग ज्यादा परेशान होते हैं, तब हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं और इस पे प्रॉपर एक, मतलब यानी कि
अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं कि बैकयार्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बैकयार्ड और कुछ फार्मर्स जिनके पास दोनों हैं उन फार्मर्स के लिए ये कंसर्न हो सकता है कि ये आपके ये बर्ड्स अगर आप बायोसिक्योरिटी को फॉलो नहीं करेंगे, इधर से आप घर से उठते हैं यहाँ पे आपके ये वाले बर्ड्स रखे हुए हैं और वो अनवैक्सीनेटेड हैं और आप जाते हैं फार्म पे और बिना किसी बायोसिक्योरिटी के, ओपन फार्म बहुत ज्यादा है आपको पता है पाकिस्तान में, तो वहां पे एंटर होते हैं, तो अगर आपका बर्ड इफेक्ट हो जाता है तो आप उस केस में उनको अवेयरनेस तभी आएगी जब फार्मर को पता होगा कि ये चीज मेरे लिए नुकसान का बायस है, तो अब हमने अवेयरनेस खुद क्रिएट करनी है। मैंने जो अपना पेपर लिखी थी उसमें मैंने बार बार यही मेंशन किया है कि बैकयार्ड कैन बी अ कॉज ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, तो मैं पेपर के थ्रू कर सकती हूँ या एक्सटेंशन पेपर के थ्रू कर सकती हूँ। बाकी डिजीज वाइज अगर हम देखें तो अवेयरनेस की हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा कमी है। अवेयरनेस यानी कि आप कहें कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें इस डिजीज का पता ही नहीं है फार्मर्स को, तो वहां पे अब अवेयरनेस की जरूरत है। जी आसिम भाई आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आसिम भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। आसिम भाई ऑडियो कनेक्ट नहीं है, आपकी वीडियो नजर आ रही है लेकिन आपकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है। जदुन देखे अनम्यूट है या नहीं है? एक सवाल जितनी देर में नासिर भाई ऑनलाइन होते हैं कि जो आपने सैंपल किए थे वो उन फॉर्म्स के साइज क्या थे? 2020 आपने सैंपल कलेक्ट किए डिफरेंट 3 रीजन से, तो वो जो जिन फॉर्म्स आपने सैंपल कलेक्ट किए उनके फॉर्म्स के साइज क्या थे? बेसिकली मेरी रिसर्च थी बैकयार्ड से, दैट वाज नोट फ्रॉम द फॉर्म्स। मेरी बेसिक रिसर्च थी बैकयार्ड से और सेमी कमर्शियल से, वो बर्ड्स जो कमर्शियली हम अवेलेबल नहीं होते सेल के लिए, यानी कि जो लेफ्ट ओवर होता है लेयर का, और उसके अलावा कुछ बर्ड होते हैं जो कि बैकयार्ड में। अब बैकयार्ड से सैंपल्स देना मुश्किल था, ये डायग्नोस्टिक सेंटर पे जितने सैंपल्स आते थे मैं उनको कलेक्ट करती थी, तो ये थोड़ा मुझे टाइम टेकिंग था कि मेरे लिए कि कुछ बर्ड्स बहुत अरसे बाद एक सैंपल आया, फिर उसके बाद एक 2 मंथ बाद मुझे कॉल आई कि देयर इज अ सैंपल पॉजिटिव फॉर मैरिक्स, तो इस तरह मैंने करके इसकी सैंपलिंग की थी। मुझे कमर्शियल से कोई सैंपल नहीं मिला। हेलो जी नासिर भाई, आपको सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी डॉक्टर साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा ये एक सिलसिला चल रहा है और जिस प्रोग्राम की बड़ी पॉपुलैरिटी है और लोग बड़ा इसके बारे में टेक्निकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं डॉक्टर ज़ारा ज़मान को कि दे प्रेजेंटेड वेरी वेल और उन्होंने ऐसे टॉपिक को टच किया है जिसको नॉर्मली नहीं हम करते। बैकयार्ड पोल्ट्री तो जितना मर्जी हम इग्नोर कर दें लेकिन दिस इज़ द मेन सोर्स फॉर डिजीज फॉर आवर मेन कमर्शियल फ्लॉक, तो इसलिए हम जब भी कमर्शियल स्टडी डिज़ाइन करें तो इसको इसमें इंक्लूड करें। तो मैं अप्रिशिएट और करता हूं डॉक्टर ज़ारा ज़मान को कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया और इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस और आंसर्स किए, और ख़ास तौर से डॉक्टर जदून साहब जो कि इस गाड़ी को बड़ी अच्छी तरह से ड्राइव कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इसको लेके जा रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर में सैटरडे वाले दिन होती है छुट्टी, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लाईज हैं वो ज़रा रिलैक्स होते हैं, तो उन्होंने छुट्टी वाले दिन रखा हुआ, लेकिन एनी हो लेकिन बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। ईद के बाद भी रखा हुआ है, ईद के फौरन बाद, और ये जबरदस्त है, इंशाल्लाह इसकी बड़ी और इसको इम्प्रूव करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ारा ज़मान और बाकी जो दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर आसम साहब, शौक साहब, वकार साहब, और इसके अलावा नवीस साहब, रोहिला बैठी है, तलहा साहब बैठे हैं, फ्रिया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जदून फॉर ए नाइस प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर ज़ारा ज़मान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आई अप्रिशिएट। एंड ऑफ कोर्स छुट्टी वाले दिन सारे घर पे वेले ही होते हैं, तो हम इकट्ठे हो जाएं कुछ शेयर कर लें जिससे ज्यादा बेहतर। मैं आसिम भाई की तरफ जाऊंगा। आसिम भाई आई गेस अब हम आपको सुन पाएंगे। आसिम भाई की चेक आसिम भाई लेट मी चेक हिज माइक। आसिम भाई को अनम्यूट करिए। थैंक यू सर।
Let me check his mic. जितनी देर में आसिम भाई का माइक सेटल्ड होता है, मैं शोक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा. शोक साहब, आज आप अपना कोई कमेंट दें. आज आपने हमें जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैंने कहा सोचा था मैं तारा के कमरे में चला जाऊं, वहीं से बात कर लूं. देयर समथिंग रॉन्ग इसके साथ है. तो पहले तो जदून आपको बहुत मुबारक यार. आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए, ना सिर्फ डब्ल्यू पी एस ए के लिए बल्कि यंगस्टर्स के लिए. इट्स रियली अप्रिशिएटेड. और ये मेरा ख्याल हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और सबके लिए, हम सबके लिए भी, जो हम पहले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग सारे, वो भी और दूसरे लोग भी. ज़ारा ने माशाल्लाह बहुत अच्छा अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की. तो इसमें बेरजी ने क्वेश्चन किया था बी सेल्स का. तो बी सेल्स सिर्फ मेमोरी सेल्स नहीं होते, वो बी लिम्फोसाइट्स हैं. तो वो इसलिए उसको ख़त्म करने में, इसी जैसे ब्रॉयलर में हम उसको निकाल भी देते हैं तो उससे मेमोरी लॉस नहीं होती. उसका सेकेंड पार्ट है जो मेमोरी के तौर पर भी काम करता है. एक तो ये थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करना था क्योंकि ज़ारा ने इसका जवाब नहीं दिया. और दूसरा ये कि मैं शुरू से इस बात पे हूँ कि जो हमारी जो बैकयार्ड पोल्ट्री है इस पर कभी भी गवर्नमेंट की उस तरह से तवज्जो नहीं रही, और ये हमेशा हमारी जो कमर्शियल पोल्ट्री है उसको ये अफेक्ट करती है, उसके बिजनेस को भी अफेक्ट करती है. और हमारे मुल्क में जो डिजीज प्रेशर है, मेरा इसके ऊपर अपना एक स्टांस है जो हमेशा मैं हर यूनिवर्सिटी में अपनी हर मीटिंग में गवर्नमेंट के लेवल की हों यूनिवर्सिटीज की हों मैं लेता हूँ, कि या तो हमें बैकयार्ड पोल्ट्री को ख़त्म करना चाहिए. अगर हमें रखना है तो फिर हमें उसे प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए, उसकी उसी तरह से वैक्सीन होनी चाहिए जैसे बाकियों की है. अदरवाइज हमारी कमर्शियल पोल्ट्री पूरी स्टेक पे लग जाती है. जैसे ज़ारा ने बताया अपने डाटा के अंदर कि 70% पॉजिटिव इन्होंने देखे हैं. और आपको पता ही है हम सब दोस्तों के मिस्ट्री और गोल्डन ही पूरे शहरों के अंदर देसी के तौर पर बेची जाती हैं. तो इसका मतलब हम उसको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं और इसको फैलाने का सबब भी बन रहे हैं, जो हमारी कमर्शियल पॉलिटिकल थ्रेट भी हो सकता है. तो शौक साहब क्योंकि सुन रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूं कि आप अपने न्यूज़पेपर के अंदर भी और हर जगह पे जो बाकी लोग भी हैं इस बात को थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ शेयर करें कि वो इस वैक्सीन को जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसके लिए वो हर जगह पर उसको वैक्सीन करवाए और उसको लाजमी करें. जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सबका. थैंक यू वेरी मच सर. आई गेस आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई कि हमें क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट बैकयार्ड पोल्ट्री पे काम कर रही है और ऑलरेडी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको साथ मेक श्योर करें कि उसकी वैक्सीन प्रॉपर और उसकी बायोसिक्योरिटी पे काम किया जाए. और ऑफ कोर्स हमारे पास क्योंकि मीडिया का जो इवन घरों में लोगों ने रखी हुई है उनको वैक्सीन करना ज्यादा जरूरी है. जो लोग रेजिस्टेंट है कि हमने वैक्सीन नहीं करवानी, ये हमारे देसी बर्ड्स है, ये मसला हो जाएगा या कुछ भी, तो उन लोगों के डोर स्टेप तक जाके इसकी वैक्सीनेशन करवाई जाए तो फिर जाके ये मसला कंट्रोल हो. I think this is very valid point. हमारे साथ फरहान डॉक्टर फरहान मौजूद हैं. कि फरहान इससे पहले गायब हो जाए मैं फरहान से रिक्वेस्ट करूंगा कि फरहान अपने कमेंट जरूर दें. फरहान अनम्यूट कर लीजिएगा, फरहान को अनम्यूट करिएगा प्लीज. जी फरहान आप सुन सक रहे हैं हमें? जी अस्सलाम वालेकुम. सॉरी मैं पूरी प्रेजेंटेशन नहीं सुन सका क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था, अभी भी ट्रैवलिंग में हूँ. आपका आवाज आ रही है? जी जी आ रही है मुझे. सर आपकी एफर्ट्स माशाल्लाह काबिले तारीफ हैं और काबिले स्ताइश हैं और हर लेवल पे अप्रिशिएट किया जा रहा है. तो एक चीज तो मैं इसमें रिमाइंडर के तौर पे कहना चाहता हूँ कि डब्ल्यू पी एस ए को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखें और हर जगह फर्स्ट जो हमारा लोगो है या फर्स्ट इम्प्रेशन है वो डब्ल्यू पी एस ए ही होना चाहिए. कि ये जो एक्टिविटीज अल्हम्दुलिल्लाह डे बाई डे बढ़ती जा रही है और इसको अप्रिशिएट करें, तो हम चाह रहे हैं कि ये डब्ल्यू पी एस ए का साथ ना छूटे और ये इसी प्लेटफॉर्म से ही सारी एक्टिविटीज रहें. दूसरी टॉपिक के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल आज से 8-10 साल पहले मेरिक्स वॉज अ बिग प्रॉब्लम. इवन ब्रीडर में
डॉक्टर साहब को याद होगा बड़ी बड़ी कंपनीज थी जिनके जीपी में ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे और उनसे सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे थे कि ये मसला क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इसमें फिर पहले तो रिस्पन और एक वैक्सीन की जा रही थी, उसके बाद जब से इसका डबल शॉट इंट्रोड्यूस हुआ, नॉट इवन टू शॉट्स इन वन वैक्सीन, कि उसको रिपीट किया जा रहा था वैक्सीन को हैचरी पे, जीपी हैचरी पे, तब से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान में ब्रीडर में ये इशू नहीं है मैरिज। हाँ, ये इशू अभी भी लेयर ब्रीडर में है क्योंकि वहाँ थोड़े से क्या कह सकते हैं कि प्राइस कॉन्शियस भी हैं, कुछ कैलकुलेशंस में पड़ जाते हैं। और जिस तरह शायद मैडम ने, मैंने तो थोड़ी डिस्कशन सुनी है, प्रेजेंटेशन नहीं सुनी, कि ये बैक यार्ड पोल्ट्री का बहुत बड़ा एलिमेंट है। सिर्फ बैक यार्ड पोल्ट्री इन्वॉल्व नहीं है सर, इस पे बर्ड्स भी इन्वॉल्व, जिसको कैटर करना मेरा ख्याल है जरा मुश्किल मरहला है। इसके लिए बेहतर ये है कि वैक्सीनेशन अपने बर्ड्स को पूरी तरह से की जाए, प्लस बायोसिक्योरिटी और बाकी एलिमेंट्स को देखा जाए ताकि हम इसके स्प्रेड को मिनिमाइज कर सकें। थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्टर ज़ारा एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। शोक साहब भी आज मौजूद हैं, नासिर साहब हैं, आसिम साहब हैं, तो मैं सबको वेलकम करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for good comments. Farhan, safe travel. आप जहाँ भी जा रहे हो, अगर सवाल से वापस आ रहे हो तो welcome back. So hope you had a good tour. So I guess absolutely right के हमें जो है वो different segments के अंदर देखना चाहिए। इसमें एक चीज मैं आसिम भाई से भी पूछना चाहूंगा क्योंकि I don't know, because again for my knowledge and for बाकी लोगों के लिए, कि जैसे ज़ारा आपने बोला कि ये DNA virus और उसके अंदर mutation, तो mutation के कितने chances हैं Marek's disease के अंदर? बेसिकली डीएनए वायरसेस में आरएनए वायरस से कम होते हैं म्यूटेशन के चांसेस, लेकिन अगर आप एक 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 सेक्टर को निग्लेक्ट करेंगे, अगर आप बैकयार्ड में इसको निग्लेक्ट कर देंगे और काफी अरसे तक वो रेजिस्टेंट होती जाएगी, तो आई थिंक एक वक्त आ जाएगा जिस वक्त आपकी जो कमर्शियल की वैक्सीन है वो इसके खिलाफ काम नहीं करेगी। तो इस चीज को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बजाय के आप इस चीज पे कहेंगे कि डीएनए वायरस है और ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो डीएनए वायरस रेजिस्टेंट होता जाएगा विद टाइम, तो इस चीज को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर उस लिहाज से देखें, आरएनए वायरस है, ल्यूकोसिस वो इस तरह नहीं है, इससे कम है प्रेवलेंस, ये 5% से ज्यादा है, उसके 5% से कम होते हैं चांसेस प्रेवलेंस के, लेकिन फिर भी हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते या वायरस। मींस के हमें जीरो टाइपिंग इसकी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अच्छा, मैं कह इसकी सीरो टाइपिंग हमें करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि इसके वो उस पे। अच्छा, नाउ आई विल गो टू शोक साहब। शोक साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो काइंडली आप अपने रिमार्क्स दें, फिर मैं शो को क्लोज करते वक्त मैं डॉक्टर फरिया से और डॉक्टर तला साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपने कमेंट्स दें। शोक साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली अपने कमेंट्स या कोई सजेशन क्वेश्चन आपने कहो तो सर। और जैसा कि डॉक्टर ऑफिस ने कहा है कि मैरिज में जिस बैकयार्ड पोल्ट्री को जाती है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे डॉक्टर को कि जो वैक्सीन है मैरिज की, जो हमारा डिपार्टमेंट है पोल्ट्री का, और उसका इसको टेस्टिंग करें कि वहीं से चलिए अच्छी बात। तो इस बारे में हमें से भी हम कहेंगे अगर लगता है कि इसको टेस्टिंग करें तो हमारा सारी जो लगती है शोक साहब आपके कमेंट्स का और शेयरिंग का। नाउ आई वी विल गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द सेशन टुडे, सो मे आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर तला साहब के आप अपने कमेंट दें, देन आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर फरिया सो दैट वी कैन क्लोज द सेशन। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर।
जदून, फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड्स टुगेदर फॉर यू. मुझे पता है कि ये इतना आसान काम नहीं होता, एंड ऑल द एफर्ट्स और सारा जो आप इसको प्रिपेयर करते हो, एंड यू आर रियली, वी आर प्राउड ऑफ यू. यू आर प्राइड ऑफ WPSA. यू आर नॉट ओनली रनिंग दिस, बट यू आर ऑल्सो डूइंग अ हेक्टिक जॉब ऑफ रनिंग द न्यूज़लेटर. वेरी वेरी मच कंग्रेचुलेशंस. और मेरा जो है डॉक्टर ज़ारा से एक सवाल है, वैक्सीन से हट के बैकयार्ड पोल्ट्री का, क्योंकि उन्होंने बात की. सिर्फ अब बैकयार्ड पोल्ट्री नहीं है जदून साहब, फार्मिंग हमारी रेंचेस की तरफ भी जा रही है. और जो है बैकयार्ड पोल्ट्री बहुत सारे, कैन यू हेयर मी? जी जी सर, हम सुन पा रहे हैं. और बैकयार्ड पोल्ट्री जो है बहुत सारी जगहों पर जो है रोजी रोटी है हमारे बहुत सारे एरियाज में, और इस मैरक्स की वजह से वहाँ लॉसेस भी होते हैं. तो मेरा अच्छा, और फिर बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ह्यूमंस हों या जानवर हों, हमारा जो फार्मर है, हमारा जो बैकयार्ड पोल्ट्री का ओनर है, वो वैक्सीन के खिलाफ उसके तहफ़ुज़ात हैं वो लगवाता नहीं है. तो वो नहीं लगवाता, लेकिन अगर क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर हम जो है उसको ये गाइड करें या ये नॉलेज देने की कोशिश करें कि वो अपने जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसके साथ टर्कीज भी पाल ले, क्योंकि अगर वो पालेगा तो चिकन तो नेचुरली एक्सपोज हो जाएगा ना टर्कीज हर्पीज वायरस से. तो कैन इट हेल्प? और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि मास वैक्सीनेशन ये उसकी बात हो रही है, बहुत सारी जगहों पे जो चूजे हैं वो मुर्गियों से निकलवाए जाते हैं, ये वो. Does Marex vaccine help in older ages also? Thank you. जी सर, सर इसका basically ये है कि अगर awareness को हम इस तरह देख सकते हैं कि अब government ने एक plan शुरू किया था कि उन्होंने farmers में distribution start की है backyard poultry की. Basically वो ये कर रहे हैं कि वो distribute ही वो birds कर रहे हैं 2020 के pack करके, वो बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो शुरू से ही वैक्सीनेटेड हैं, डे ओल्ड से ही. यानी कि फार्मर को, अगर फार्मर को पता नहीं है कि ये वैक्सीनेटेड बर्ड मुझे मिल रहे हैं, अब वो बर्ड जब उन बर्ड्स के साथ जाएंगे तो वो बेसिकली ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूट ही वो बर्ड कर रहे हैं जो वैक्सीनेटेड है. और दूसरा ये है कि इस वायरस का जो मेन होस्ट है, इसका जो नेचुरल होस्ट है, वो सिर्फ चिकन है. जो टर्कीज हैं वो इसका, वो सिर्फ ससेप्टिबल हैं, वो इसका मेन होस्ट नहीं है. तो अगर हम चिकन को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देंगे तो हमें मतलब मिक्स फार्मिंग की जरूरत ही नहीं है. अगर हम इसको ही वैक्सीनेट करके डिसेमिनेट कर देते हैं तो हमें टर्कीज या किसी और तरह की वायरस से एक्सपोजर की जरूरत नहीं है. अगर हम इसी को कंट्रोल कर लें तो इसके लिए गवर्नमेंट अब ये कर रही है कि वो 20-20 के पैक से वो पर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जो वैक्सीनेटेड है, ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है. बाकी अवेयरनेस की जहां तक बात है तो हम अवेयरनेस के बहुत से तरीके हैं, जैसे सर ने कहा कि अखबारों के थ्रू या चैनल के थ्रू. तो अब जब आप देखते हैं कि पेपर में एक जगह मेंशन था कि यू कैन कंडेम द पार्ट्स, हम किस किस पार्ट को कंडेम कर लेंगे? मैरिज के जो लियंस हैं वो स्किन में भी आ रहे हैं, लीवर में आ रहे हैं, स्प्लीन में आ रहे हैं, तो बर्ड का सारा पोर्शन तो कंडेम्ड हो जाएगा. और वहां पे अगर जहां अगर वैक्सीन से लोग दूर भागते हैं तो वहां पे बीमारी से भी लोग, बीमार गोश्त नहीं खाता देसी जो पालने वाला वो है किसान है. तो अब हम उसको इस तरह बता सकते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आपके बर्ड का जो आपको लाइफ वेट आएगा अपार्ट फ्रॉम ऑल द, अगर वो ऑर्गन्स निकाल भी दें, अगर उसका स्किन में नहीं है, फिर भी आपके पास वो परसेंटेज बच जाएगी जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है. तो हम फार्मर को प्रॉफिट पे लाके बात कर सकते हैं इस चीज पे. मेरा तो यही था कि अगर मैं अगर वैक्सीनेशन का अवेयरनेस प्रोग्राम करूंगी तो मैं बेसिकली फार्मर को प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूंगी, क्योंकि हमारा जो फार्मर है उसके लिए आपने जैसे कहा कि रोजी रोटी वाला बात, तो वो बात सही है कि हम उसको इस तरह गाइड कर सकते हैं. आई थिंक ज़ारा अगेन आपने बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया कि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें जो आपके इकोनॉमिक लॉसेज हैं उनको पहले इस्टेब्लिश करना है, कि पहले हमारी बैकयार्ड पोल्ट्री का कितना परसेंटेज है जो हमारी कमर्शियल साइड पे कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका पार्ट यूज हो रहा है. अगर वो सेल्फ कंजम्पशन पे है या उसको कमर्शियल सेल किया जा रहा है, हम उसको इस्टेब्लिश कर लें, फिर उसके बाद इसके लॉसेज को इस्टेब्लिश करें. फिर इसका मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके से हम रिकमेंड कर सकते हैं कि जो भी हैचरीज हैं, जो मिसरीज या ये देसी मुर्गी या बैकयार्ड मुर्गीज प्रोड्यूस कर रही हैं, मोस्टली अब इनकी हैचरीज हैं, हम वहाँ पे मेक श्योर कर सकते हैं कि वहाँ पे
जो है ना वो वैक्सीनेशन की जाए, लेकिन आई थिंक अगेन दिस इज अ प्रोसेस एंड दिस विल कंटिन्यू और हमें इसमें एड ऑन करना चाहिए. फाइनली वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट कमेंट एंड क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर फरिया. अगर आप मौजूद हैं मैम तो यू कैन गिव योर कमेंट एंड क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एंडिंग द सेशन. जी डॉक्टर फरिया आप मौजूद हैं मैम? वाह वी सॉ अ मिनी मी फ्रॉम वकार भाई. गुड जी गुड. सो प्रोबेबली आई गेस वी डोंट हैव मैम फरिया. अगर मैम फरिया आप मुझे सुन रही हैं तो यू कैन कम एंड गिव योर कमेंट. अदरवाइज लेट्स मूव ऑन. लेट मी थैंक यू जारा ऑन बिहाफ ऑफ वापसा. इट वॉज वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड आई गेस this is the beauty of this platform that we give the chance to the youngster. They come and they replicate their confidence and they share their knowledge backward to the students and other industry fellows. So honestly I learned back because Marex mujhe padhe hue bahut arsa ho gaya tha, because now I get refreshed ki Marex hai kya. So generally agar normally aap dekho to jitne bhi poultry mein kaam karne wale log hain wo Marex ko bhool chuke hain, because commercial side pe we have taken a well control of it. But what is the take home message? The take home message is ki hame यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा जो है ना स्टडी प्लान करना चाहिए जिसके अंदर हम अवेयरनेस कंपेन को लॉन्च करें, और अवेयरनेस कंपेन के थ्रू वी क्रिएट एन अवेयरनेस दैट कि जितना भी हमारा बैकयार्ड पोल्ट्री है उसकी वैक्सीनेशन को मेक श्योर करें. और उसके लिए हमें जो भी रिसोर्सेज यूज करने पड़ते हैं, हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यूज करना पड़ता है, हमें उसको इफेक्टिव करना चाहिए और हमें एनेबलिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करने चाहिए ताकि हम इन चीजों को बेहतर से बेहतर कर सकें. और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का मशहूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला, और स्पेशली गवर्नमेंट के लोगों का, क्योंकि उनके लिए छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो छुट्टी के दिन जो है वो हमें ज्वाइन करते हैं. लेकिन इफेक्टिवली अगेन दिस इज अ सेंसेस थिंग. वी विल चेंज इफ सम पीपल वॉन्ट कि हमें सैटरडे को नहीं करना तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. वी विल ऑलवेज फ्लेक्सिबल. बट आई एम श्योर ये जो प्रोग्राम है इसका आउटकम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं और हम कोई ना कोई नई चीज सीख रहे हैं. और आखिर में अगेन इसके हम इंशाल्लाह मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाएंगे, हम आप लोगों से शेयर करेंगे. अगर जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो आप बाद में भी पूछ सकते हैं. जारा इज अ वेल नोन फिगर इन द वापसा एंड शी कैन आंसर एंड रेस्ट ऑफ आवर सीनियर कैन आंसर. सो विद दिस इंशाल्लाह अगेन सर सर अभी आपने कहा गवर्नमेंट सेक्टर, तो आपके कहने का ये मतलब है कि हम सब प्राइवेट सेक्टर वाले हमेशा ही छुट्टी पे होते हैं. सर हमारे हम मौज में होते हैं ना, प्रॉब्लम ये छुट्टी भी नहीं होती, मौज में होते हैं. तो विदेश जी मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. और जो लोग भी, आपको मालूम है कि हमारे फोर्थ लेयर कोविड का आ चुका है, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है वंस अगेन कीजिए कि वी शुड फॉलो दी एसओपीज ऑफ कोविड. और जो लोग हमारे, अच्छा जदून साहब सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी फ्रिया का मैसेज जो है वो आया है, वो ट्रेवलिंग में है और उस वजह से वो कनेक्शन का उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है. सो अपोलॉजीज फ्रॉम हर साइड. नो प्रॉब्लम सर, वी विल टेक हर इनटू सम अदर प्रोग्राम. और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जी. अपना अपना ख्याल रखिएगा जहाँ पे भी, अल्लाह ताला आपको खुशखुर्रम रखे. और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे, और आप लोगों की पार्टिसिपेशन और फीडबैक ही इस प्रोग्राम की जान है. जो चीज़ आप इस प्रोग्राम में चेंज करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, या और फर्दर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, प्लीज सजेस्ट करिए ताकि हम उनको इम्प्लीमेंट करें और तमाम लोगों के लिए इसको इंफॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव बनाएं. विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल एंड वंस अगेन इंशाल्लाह सी यू वंस अगेन. इधर भी है खुशोग्रम ने. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.